Hi guys. Hello. Hi guys. Hello. Hello. बहुत ही बकवास इंट्रो है. ऐसे इंट्रो देगी ना तो कोई सुनेगा ही नहीं. लाखों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है NEFT करनी है, 5 लाख की, 10 लाख की, वहां 15 लाख की, 20 रुपए, उस बीच में टमाटर ले आओ, सब्जी ले आओ, धनिया ले आओ, मिर्चा ले आओ. मैंने ना इंट्रो रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मैंने ब्लॉग ऐसे स्टार्ट कर दिया. तो कोई बात नहीं, आप देख लेंगे इंट्रो में क्या रखा हुआ है. बस यही कहना होता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा. दैट्स इट. कल भी मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था मैंने, पर कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि मेरी वॉइस ही क्लियर नहीं आई. मतलब बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और मेरी नहीं आ रही थी. आज थोड़ा मौसम ठीक है, अभी ठीक है, बाद में पता नहीं, हो भी सकता है बारिश स्टार्ट. चाय बनाओ, आप भी पियोगे? मैं चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए. पियोगे? ठीक है, तब तक आप पूजा करो, मैं चाय बना के लाती हूँ. चैलेंज करोगे क्या? चलो लैपटॉप हटा अपना. बताओ. दिख ही नहीं रहा उसमें. देखो मैं बताती हूँ ऐसा करना है. कैसे? करके दिखाओ. नहीं करके तो दिखाओ. हेलो, इधर आके करो, दिखना तो चाहिए. मैं फिर से बताऊं? नहीं, मैं समझ गया हूँ. फालतू की बात नहीं, भूल गए कल ही तो किया. फिर से बता. देखो, मैं समझ गया, पागल बना रही है. वैसे ही पकड़ रही, हाथ छेड़ा कर रही है ऐसे. बेवकूफी की है. टूट जाएगी. ये वाले में थोड़ा सा भी कर लेता हूँ मैं. और उस दिन एक और आंख वाला कौन सा चैलेंज करवा रहा था वो? मैं क्या जानूं. चाय बन गई होगी, मैं लेके आती हूँ. मेरे साथ साथ कैमरा भी जा रहा है. पी के बताओ कैसे बनी है. तुमने बनाई और अच्छी ना बनी, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, तो आप इसके अलावा आप कुछ और आप बोल भी तो नहीं सकते. शादी शुदा इंसान की मजबूरियाँ. तारीफ ही करनी पड़ती है, इंसान सीख जाकर रहते रहते ऐसे डायलॉग्स बोल बोल के लाइफ में. शादीशुदा जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर्स है ना, सबको एक बात पता है. क्या? कि यार बीवी से पंगे नहीं लिए जा सकते. वो जो भी बनाए चुपचाप मुंह बना के खा लो. अच्छे मुंह से खाना है. वाह, तो बहुत टेस्टी है. वाह, तो मैं क्या खराब बनाती हूँ मुझे ये बताना जरा. इस सवाल का जवाब दुनिया कोई पति नहीं दे सकता. हर बात पे बेचारा पति बनने की जरूरत नहीं होती है. दुनिया का पति नहीं देता होगा. आप तो बोल भी देते हो कि नहीं. मैंने आप एक वीडियो बनाया था. याद है क्या? ये आप कैसे कमियां निकालते मेरे खाने पे? अगर तुम्हें टेस्ट करना है ना तो अपने व्यूअर से पूछो कि पति बेचारा है कि पत्नी बेचारी है. देख कितने कमेंट आते हैं पति के फेवर में, कितने आते हैं पत्नी के फेवर में. पत्नी बेचारी होती है. मैं वीडियोस में आपको बेचारा बना देती हूँ, पर होती बेचारी मैं ही हूँ. एक बहुत बढ़िया वाक्य याद आया. हमारे एक भैया हैं, नाम नहीं बताऊंगा सबके आगे. वो बेचारे आजकल बहुत परेशान है, उनका बहुत काम चल रहा है. कुछ वो नया स्टार्ट कर रहे हैं तो करोड़ों पैसे खर्च हो रहे हैं पूरे दिन.
बेचारे दिन में ऐसा करोड़ों रुपए खर्च के आ रहे हैं थक हार के हिसाब किताब लेके, और जब शाम को घर आ रहे हैं ना उनको बेचारे सब्जी लेने के लिए दो रुपए का आम, 5 रुपए की धनिया, 3 रुपए का टमाटर मंडी में खरीद, मुझे पता है कौन से भैया की बात कर रहे, खरीद रहे बेचारे और इरिटेट हो रहे कि यार मैं इतने बड़े बड़े काम कर रहा हूँ और मेरे को ये प्रूफ होता है कितने बड़े काम भी कर लो लेकिन घर के काम करने ही पड़ेंगे आपको। तो मेरे भाई साहब है मेरे बहुत इरिटेट हो रहे थे एक दिन, तो मैं समझ सकता हूँ कि मतलब आदमी करोड़ों का काम कर रहा है, लाखों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है NEFT करनी है, 5 लाख की, 10 लाख की, वहाँ 15 लाख की, 20 रुपए उस बीच में कि टमाटर ले आओ, सब्जी ले आओ, धनिया ले आओ, मिर्चा ले आओ, क्या बकवास है बेचारे। जो भैया हैं उनकी भाभी को जब पता चलेगा ना तब आपको बताएंगे। नाम लिया क्या? पता तो चल ही गया, नहीं पता चलेगा नाम लिया क्या मैंने, पागलों से नाम लूंगा। सो इस रूम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा मेकअप का सामान रखा हुआ है और मेरे कुछ कपड़े वपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेकअप का सामान है वो मैं खुद से पैक कर लूँ और जो बचे हुए सामान होंगे वो खुद आएंगे, वो मूवर्स एंड पैकर्स वाले वो पैक करेंगे। तो मैं मेकअप से स्टार्ट करती हूँ और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं जो मुझे खुद से पैक करनी है, अदरवाइज़ तो वो लोग खुद ही पैक करेंगे, तो मुझे जो टूटने का डर है वो मैं इजीली पैक कर देना चाहती हूँ। मैक्सिमम पैकिंग कर ली थी और जो कुछ बच्चे उच्चे हैं वो पैक करने वाले आएंगे और वो खुद ही पैक करेंगे, और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि अभी हम 10-15 मिनट पहले ही उठे थे, एंड देन शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं जो सबसे बड़ा काम है। सो ऐसी हो रखी है रूम की हालत, मैक्सिमम चीज़ें पैक हो गई हैं एंड कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं जिन्हें पैक करना है, तो पैक कर करके लगा दिया है, और उसके बाद जब सब कुछ पैक हो जाएगा देन स्टार्ट करेंगे शिफ्टिंग। सो हम लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं, फर्नीचर कुछ लेने थे हमें अपने नए घर के लिए, सो यहीं पे देख रहे हुए थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है और ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको कुछ डिज़ाइन दिखा के आप फर्नीचर बनवाना भी चाहते हो तो आप बनवा सकते हो। ये जहाँ हम पुराना रहते थे उसके आसपास का ये एरिया है और इस शॉप पे हम कई बार आ जा चुके हैं, मतलब देखने के लिए काफ़ी अच्छी शॉप है। सो अगर आप देखना चाहते हैं फर्नीचर तो दूसरा ऑप्शन ये भी है ना कि आप अपनी मनपसंद की डिज़ाइन लेके आएँ और इनको बोल दें तो ये आपके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो बना देंगे। तो मुझे कुछ वाइट कलर का फर्नीचर चाहिए था, मतलब मुझे बेड भी वाइट चाहिए था और अलमीरा भी वाइट चाहिए थी, तो मैंने इनको कुछ डिज़ाइन दिखाई हैं और अभी मैं इनमें भी देख रही थी शायद इनमें से मुझे कुछ पसंद आ जाए, बट हाँ एक दो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लाइक ये अलमीरा मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बस मुझे इसका कलर चेंज करवाना है, मुझे ये कलर नहीं चाहिए। सो ये पैकिंग वैकिंग के चक्कर में ना मेरी स्किन की धज्जियाँ उड़ गई हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ी बहुत इसको ठीक कर लें, इसकी कंडीशन ठीक कर लेते हैं। मैं इधर क्यों देख रही हूँ, मेरा बहुत दिनों बाद कैमरा उठाया ना तो मेरी स्क्रीन इधर है तो इसलिए मैं इधर देख रही थी, और अभी मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ कि मुझे कोई सामान मिल ही नहीं रहा है, दिखाती हूँ आपको। मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने सारा मेकअप यहाँ पर डाल दिया, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है फिर निकाल के चेक करती हूँ, जब तक सब कुछ अभी बहुत फैला हुआ था तो मैंने सोचा इन्हें यहाँ पे रख देती हूँ, जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो फिर इनकी कोई जगह डिसाइड करूँगी कहाँ पे इन्हें रखना हुआ है। यहाँ एक पिंपल, बहुत सारी कंडीशन ख़राब हो गई, सो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं फेस मास्क लगा देती हूँ। तो मैंने 2 फेस मास्क ऑर्डर किए थे, आपने मेरे किसी हॉल में देखा होगा डॉट एंड की के, मुझे दोनों बहुत पसंद आए थे, एक तो आपका पिंक क्ले मास्क था और दूसरा आपका एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क था, दोनों ही आपके जो पोर्स हैं उनको टाइटन अप करने में बहुत हेल्प करते हैं, आपकी स्किन इसको अप्लाई करने के बाद काफ़ी फ्रेश फील होती है, और सेकेंड थिंग कि ये जो पोर्स दिख रहे हैं या फिर जो आपके थोड़े बहुत एक्ने मार्क होते हैं अगर आप इनको लगाओगे तो वो भी धीरे धीरे ही रिड्यूस होंगे। और ये तो ये जो पिंक क्ले मास्क है तो इसको अप्लाई करने के बाद ना आपके फेस पे एक अच्छा सा छोटा सा ग्लो भी आता है, तो मुझे काफ़ी पसंद है वो। सो अभी मैं सोच रही हूँ फेस मास्क भी लगा लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि मुझे और क्या करना है, पहले ये पटारा बंद कर दूँ जो खुला हुआ है।
मेरे इस नए घर में ना लाइटनिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी लाइट आती है। सो ये मुझसे बंद नहीं हो रहा है, ठीक है मैं बाद में बंद करती हूँ, पहले फेस मास्क लगा लेती हूँ। अभी भी शिफ्टिंग चली रही है, मतलब मुझे लग रहा है 1 महीने तो लग जाएंगे पूरे घर को अच्छे से शिफ्ट होने में। तो मैं आज अपना ये पॉल्यूशन एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क लगाऊंगी, ये बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। इसकी स्मेल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब जैसे आप मिंट टाइप की काफी रिफ्रेशिंग होती है ना स्मेल, वैसी है। आई थिंक इसमें मिंट है क्या? फाइनली आई हैव वॉश्ड माय फेस और अब मैं जा रही हूँ फेस हेयर रिमूव करने। तो उसके लिए मैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ एज अ बेस। चैनल क्योंकि मैं जब वीडियो को एडिट कर रही थी तब मैंने देखा कि मैंने ब्लॉग का स्टार्ट और एंड कुछ किया ही नहीं था, सोचा अभी कर दूं। सो हाय गाइस, आई एम स्मृति, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, घर पर रहें, सेफ रहें।